भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाया और इसे भाजपा ने ही संवारा है और 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने जो विकास अवरुद्ध किया है उसे हमारी सरकार फिर से नए आयाम देगी। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने ये भी कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस बात को स्वीकार किया है कि केंद्र सरकार धान खरीदी का 2200 रुपए देती है और केवल 600 रुपए राज्य की सरकार देती है। जयराम रमेश जी को साधुवाद है, कम से कम सच बोलने की उन्होंने हिम्मत तो दिखाई। पार्टी को ये बात पता थी कि संख्या बल के आधार पर हम छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बना सकते, लेकिन संख्या बल के आधार पर सरकार नहीं बनाने की स्थिति के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने जनता से इस बात का वादा किया है कि हम छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनाकर देंगे और छत्तीसगढ़ की जनता से किए वादे को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरा किया। आज अगर हमारे नाम के आगे पता जब हम लिखते हैं छत्तीसगढ़ लिखा जाता है, उसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। मैं आप सभी को पुनः राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। बंधुओं, अभी कांग्रेस पार्टी ने लगातार आज बहुत बड़ा एक विज्ञापन छपा है और कांग्रेस पार्टी के नेता आ भी रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में अपनी बात को कहते हैं। जो लोग अपनी बात को कहते हैं उनकी बातों में उन्हें छत्तीसगढ़ के विषय में कुछ पता नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम जी ने आप सभी से रूबरू अभी आज रूबरू हुए और जैसा कि आपको पता है कि जयराम रमेश जी ने जाने अनजाने इस बात को स्वीकार किया कि केंद्र सरकार धान खरीदी का 2200 रुपया देती है और केवल 600 रुपया राज्य की सरकार देती है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश जी ने आज इस विषय को स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो पैसा धान के लिए आता है उसकी बड़ी राशि भारतीय जनता पार्टी देती है, मात्र 600 रुपया ही राज्य सरकार देती है। जयराम रमेश जी को साधुवाद है, कम से कम सच बोलने की उन्होंने हिम्मत तो दिखाई। लेकिन इस विषय पर मुख्यमंत्री जी से जरूर पूछना चाहते हैं, भूपेश बघेल जी से, जो बार बार इस बात को बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि केंद्र की सरकार कोई सहयोग नहीं करती। एक तरफ उनके उप मुख्यमंत्री केंद्र की सरकार को सराहते हैं तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी बार बार आरोप लगाते हैं। मैंने पहले भी प्रश्न खड़ा किया कि उप मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं, दोनों में कोई ना कोई जरूर झूठ बोलता है, तो ये तय होना चाहिए कि झूठ कौन बोलता है। आज सभी समाचार पत्रों में जितने बड़े विज्ञापन आए हैं और जितनी बात कांग्रेस पार्टी ने कही है, मैं उसी विषय पर आती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे। ये घोषणा इनके पूर्व के जन घोषणा पत्र में भी थी। कुछ दिनों पूर्व जब मैं आपसे रूबरू हुई थी तब मैंने इस विषय को कहा था कि जिन बातों को जन घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने कहा है वो बातें पूरी नहीं हुई। ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी फिर से कर्जा माफी की बात करते हैं। पिछले बार जो कर्जा माफी की बात उन्होंने कही थी उसमें दीर्घकालिक, अल्पकालिक, ट्रैक्टर से संबंधित लोन और तो और प्राइवेट लोन की बात भी हुई थी जिसको कि मुख्यमंत्री ने माफ नहीं किया। इस बार 5 साल बीतने के बाद फिर से मुख्यमंत्री जी एक जुमला फेंकते हैं,
छत्तीसगढ़ की जनता को मूर्ख बनाने की काम की शुरुआत करते हैं और इस बार कर्जा माफी की बात को उन्होंने एक जगह पर ऐलान किया।